अभी हट भी नहीं रहा इसके हाथ से। हम ना रहे कभी यारों के बिन। हाँ जी, तो ट्रिप की शुरुआत होती है बैंगलोर से। बैंगलोर में मैं था और अपने सामान की पैकिंग कर रहा था शाम को 6 बजे, और हमारी बस कुछ आई गेस 8-9 बजे थी। और आउट ऑफ द 5 पीपल दैट वी वर ट्रैवलिंग, जिसमें दर्शन था, दर्शन उर्फ कच्ची, अभिषेक उर्फ बाबा, आयुष उर्फ बाबू एंड रौनित उर्फ दौलत, बिकॉज सब ज़्यादा पैसा आजकल यही कमा रहा है। तो हम लोग 5 लोग अलग अलग जगह से जा रहे थे, जहाँ पे मैं और आयुष पहले बस से ट्रैवल कर रहे थे डायरेक्टली टू गोवा एक दिन पहले, और अभिषेक और दर्शन ट्रैवल कर रहे थे उड़ीसा से गोवा, और रौनित आ रहा था मुंबई से। तो मैंने अपना सामान पैक किया जल्दी जल्दी, कुछ खाना पैक किया बिकॉज मैं अवॉइड करता हूँ बाहर से कुछ खाने का, और जल्दी जल्दी पैकिंग वैकिंग करके सामान वामान लेके पहुँच गया। ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दिस वॉज सपोज टू बी माई बैचलर्स ट्रिप, बट वैसा आपको कुछ लगेगा कि नहीं कि मेरे को वैसा कुछ खास ट्रीटमेंट मिला है इस वीडियो में, बट एनी वेज हाँ, तो सामान वामान लेके मैं पहुँच गया बस पे, और अब इसके आगे। आयुष, एक साल के बाद वहीं आ गए हैं। एक साल फिर लगा पारू, हमको तो लग रहा कि वही वापस बस स्टॉप में बैठे हुए हैं। बाकी बस हम लोग का ये है, और आयुष इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा इंसान है, हम इसको बोले, हम आयुष को बोले कि आयुष मेरा तबीयत ख़राब है फिर भी गोवा आ रहे हैं, तो ये क्या किया? हम बोले कि हमको बस में टॉयलेट लगता है, उल्टी आता है बार बार, तो ये क्या किया? ये ऐसा बस बुक किया, जिसमें टॉयलेट तो है पर टॉयलेट ऑपरेट नहीं कर रहा है, और हम उसको बोले कि हमको उल्टी आता है, तो इतना मेरा ध्यान रखा, कि ये ऊपर का सीट बुक कर दिया, कि मतलब पक्का जो तबीयत आदमी का ख़राब नहीं भी है वहाँ जाते जाते डायरेक्ट उतरे ICU में भर्ती हो जाए, और बाकी सब लोग मेरे बैचलरेट में मस्ती करें। हम जिंदगी में आज तक मैक्स प्रोटीन का स्पॉन्सर है, ठीक है, स्पॉन्सर इसे आज तक जिंदगी भर चिक्की और चिनिया बादाम खाया है, इसको हम खिला रहे हैं मैक्स प्रोटीन का प्रोटीन कुकीज़, ठीक है। तुम भी यही खाता था। बाबा तिवारी तो आज तक प्लास्टिक भी नहीं देखा है, उसको तिवारी को प्लास्टिक दिखाएंगे, बट तिवारी लोग के सामने हम लोग फॉलोअर्स का बात नहीं कर सकते, पर्सनल ले लेता है। 500 फॉलोअर उसका भी। भाई तुम बताओ तो कूर्ग में क्या कर रहा था तुम इतने दिन से? कूर्ग में गिन के 4 गार्डन है, और ये 4 गार्डन 4 दिन घूमा है अकेले, वो भी सोलो ट्रिप में। CA CFA और को पार्टनर ऑफ AVM फूड जॉइंट्स, जिसमें इसका काम है सिर्फ पैसा देके छोड़ देना। इन्वेस्टर, बाकी दो लोग खाना बना रहा है, बर्तन धो रहा है। चलो तो दैट्स ऑल, बाकी फिर मिलते हैं, बस बस कहीं रुकता है तो, या फिर कल सुबह गोवा पे। अबे लेंस खंदा हो गया बे, तुम तो भाई मुंह मत दिखाओ, मुंह दिखाने जैसा काम नहीं किया है तुम, समझा? सो गाइस वी आर फाइनली रीच्ड गोवा, और अरे वो तो जो इंसान जो सबसे ज्यादा खुश है ना यहाँ पे, वही सबसे बड़ा हरामखोर है, क्योंकि हम लोग ने कल जब रात में बुकिंग किया था तो मैंने इसको स्पेसिफिकली बोला था कि भाई हमको बस से बहुत प्रॉब्लम है, मत जाना बस से, तो बोला कि भाई बस से ही जाएंगे, फिर हम बोले कि हमको उल्टी होता है, इसीलिए वो ऊपर वाला बुकिंग किया ताकि उल्टी और ज़्यादा हो, ठीक है सर, हर चीज़ का ख्याल रखा कि हम आते आते बीमार पड़ जाए, फिर इसको पता है कि हम होम स्टे या हॉस्टल में नहीं रह सकते क्योंकि हमको शेयर करना अच्छा नहीं लगता रूम और ये सब, तो हम इसको कल अपना मेक माई ट्रिप खोल के दिए, उसमें बोले कि भाई बुकिंग कर लो, और इसको बोले थे कि खाली होम स्टे बुक मत करना, और आज हम लोग उतर के यहाँ पर आए हैं और ये बुक किया है, तो ये 6 रूम का बुक किया है जहाँ पे 6 शेयरिंग है, हम इसको जो बोले थे नहीं करने के लिए एग्जैक्टली वही क्या है वो एग्जैक्टली, और 1800 रुपये का भी चला गया पैसा, और नॉन रिफंडेबल था। हम लोग सुबह से
सोच क्या है सुबह की मस्त जाएंगे पॉटी करेंगे फ्रेश फ्रेश हो जाएंगे सामान ढो ढो के आ रहे कि जाएंगे वॉशरूम यूज़ करेंगे और अभी पता चलता है कि रूम ही नहीं है। 1800 रुपये भी वेस्ट हुआ और अब हम लोग बेसिकली सर्च कर रहे दूसरे रूम में जहाँ पे हम लोग को शेयर ना करना पड़े और मतलब नो शेयरिंग बेसिस में हो। तो भाई साहब अभी लगे हुए हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। बट इट इज़ प्रीटी मच इरिटेटिंग, बट कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके साथ ही आए। मैं यूजुअली मैं ऐसे फंबल करता हूँ जब मैं बुक करता हूँ। मैंने 2 दिन पहले भी फ्लाइट बुक किया था तो मैंने कहीं और का फ्लाइट बुक कर दिया था, तो मैं अभी तक रिफंड के लिए परेशान हूँ। इसलिए इसने बोला था कि इस बार ये करेगा और इस बार मैंने इस पर भरोसा किया तो उसने भरोसा का कुछ जो बी से सिमिलर होता है वही कर दिया इसने। बट एनीवेज देखते हैं अब कहाँ बुक होता है। बाकी ये 100-100 करके एक हॉस्टल जैसा है जो बाकी बहुत ज़्यादा वाहियात है, इसका मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा वाहियात है और मज़ा नहीं आया हम लोग को यहाँ पे आके। इवन द रूम्स एंड एवरीथिंग आर नॉट वेरी हाइजीनिक, तो मैं तो यहाँ पे नहीं रहूँगा। और भले ही थोड़े ज़्यादा पैसे लग जाएंगे बट हम लोग जहाँ पे रहेंगे थोड़ा कम्फर्टेबल वे में रहेंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो ये हम लोग का रूम है जो कि शुरू होते ही ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ से घुसे थे और यहाँ पे रूम ख़त्म हो गया। सो द थिंग इज़ कि हम लोग ने यहाँ के लिए पे किया था 1800 रुपीज़, बट हम लोग ने अज्यूम किया था, जो एक महान इंसान ने बुक किया था उसने अज्यूम किया था कि ये प्राइवेट रूम है। तो हम लोग आए यहाँ पे, फिर पता चला कि प्राइवेट रूम का अलग चार्जेस है, तो फिर ऊपर नीचे करके हम लोग ने और 1400 पे किया और फिर ये रूम मिला हम लोग को। मैं आपको, सो दिस इज़ द एंटायर प्लेस। यहाँ पे जो बाकी उधर रूम्स है वो सब में 6-6 शेयरिंग है, बट ये सब जो है ये सब प्राइवेट रूम है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बिकॉज हम लोग को एक दिन के लिए एडजस्ट करना है, बट पैसे ज़्यादा लग गए। आई मीन अगर 1800 भी लगते तो ठीक था, बट हम लोग को लग गए 3200-3400। बट ठीक है यार, सीए लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीए सीएफ है, कमा लेगा पैसा। कल हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो हमारा वहाँ पे विला बुक्ड है, तो वहाँ पे स्पेस और ये सब का प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आज समहाउ मैनेज करना है, आज ज़्यादा कुछ है भी नहीं करने के लिए, बस चिल करना है। बाकी अगर घूमने फिरने जाते हैं तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। कितना बज रहा है भाई? 3 बजे। हम लोग जैसे और 65 चूतिया लोग हैं यहाँ जो जिम जो यहाँ पे बीच में आए हुए हैं, एकदम एकदम जो पीक गर्मी होता है ना उसमें आए हम लोग, ना कम ना ज्यादा। हम लोग को एकदम कुत्ता वाला टैन होना था, इसीलिए हम लोग 3 बजे आए। कम टैन से नहीं चलते हम लोग को, एक्सट्रीम चाहिए सब, एक्सट्रीम। कौन सा बीच है ये? कलिंगुट बीच है। दुकान में ले गए थे, बोले थे देखिए क्या मांगता है जी बोलता है वो वाला चाहिए, कौन सी चाहिए जी इसको देखिए, तो उंगली दिखा के बोला भैया ये वाला चाहिए। हसते चेहरे का मतलब यह नहीं होंगे कि कोई तकलीफ नहीं होंगी, मतलब तकलीफा डील करना होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डे 2 ऑफ गोवा। और हम लोग अभी एक दूसरी प्रॉपर्टी में चेक इन कर चुके हैं। कल हम लोग एक दूसरे प्रॉपर्टी में थे और वहाँ पे बस एक दिन के लिए थे, आज एक दूसरे प्रॉपर्टी में हम लोग ने चेक इन किया अभी, और ये बहुत अमेजिंग है। और अब लग रहा है कि कहीं पे वेकेशन में है बिकॉज ये है उतना स्पेशल। तो ये एक 3 BHK प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम लोग ने रेंट किया हुआ है 2 दिन के लिए। सो दिस इज़ द एंट्रेंस, अभी मैं और आयुष आए हुए हैं, बाकी लोग अभी आएंगे। तो ये रूम है एक, बाकी एक रूम यहाँ। इट इज़ क्वाइट स्पेशियस, मतलब और बालकनी भी मिल जाता है, पूल भी है, तो आई गेस क्वाइट वर्थ इट। बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पे, ये एक लॉन जैसा जगह भी आपको मिल जाता है। 2 डेज, तो अगर हम लोग कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो आई गेस 10,000 रुपये का बुकिंग हुआ है 2 दिन का। बट ऑन पर्सनल बेसिस अगर आप देखो तो एक इंसान को 2,000 रुपये देने पड़े, सो प्रॉबेबली 1,000 का एक दिन का, और इतने बड़े स्पेस के लिए, विच इज़ वेरी वेरी गुड, लाइक वेरी वेरी स्पेशियस।
तो अभी करेंगे थोड़ा सा फ्रेश एंड अप और फिर अभिषेक लोग जब आएंगे तब उन लोग निकलेंगे गोवा घूमने। और बाबा कम गाली दे। अबे वो सब खाली है बे। पगला साला। नहीं देख रहा है भाई, पूरा इंतजाम किया हुआ है बाराती का। अबे तेरे लिए डाइट कोक रखा हुआ है भाई, ऐसा नहीं है। डाइट कोक देगा। चिकन खाने लगा। लेग पीस खाते मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डे टू ऑफ गोवा। सो कल एक्चुअली प्लान बहुत गड़बड़ हो गया। हम लोग ने सोचा था कि यहाँ से जाएंगे हम लोग और फिर यहाँ का जो पब है थलासा वहाँ पे जाएंगे, मस्ती करेंगे। बट एक्चुअली डिडंट टर्न आउट टू बी दैट वेल। प्रॉब्लम क्या हुई कि हम लोग यहाँ से निकले बट वहाँ पे हम लोग को एंट्री नहीं मिली। हम लोग को बहुत लोगों ने बोला भी था कि यू हैव टू प्री बुक और ये सब, बिकॉज वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती एंड इट वॉज अ वीकेंड ऑल्सो। कल तो वहाँ पे गए, वहाँ पे एंट्री नहीं मिली, फिर घूम के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लासो लास गए। वहाँ पे भी एंट्री नहीं मिली। तो कल का रात कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था, हम लोग ऐसे ही घूमे फिर इधर उधर। वी वॉन्टेड टू पार्टी बट हो नहीं पाया। तो आज का प्लान ये है कि आज हम लोग थलासा जाएंगे बट प्री बुक करके जाएंगे, बिकॉज लास्ट मोमेंट में पैसे देने के बाद भी वहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही थी हम लोग को। सो दैट इज़ द प्लान। रात में हम लोग को सोते सोते 3-4 बज गए और बाकी अभी हम लोग उठे हैं, रेडी हो रहे हैं सब। अरे कहाँ है रे ईगल गैंग? अरे बाल, अरे लगाओ, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। लगाओ पट्टा, लगाओ पट्टा। तुम भाई अच्छा लग रहा, हॉट लग रहा है तुम पट्टा में। एक सेकंड रुक जाओ। कुछ बोल रहा था क्या हॉट के बारे में? नहीं नहीं सॉरी सॉरी नहीं किया। ओके हॉट के मामले में बाबा आज गाड़ भर दिया सबका भाई। तो तुमसे क्या बॉडी लग रहा है? बाबा जो आज गंजी में चल रहा है भाई, देखो कॉन्फिडेंस अपना गिरा दिया नीचे जमीन में। अरे लड़की गिर गई तो गोवा का स्टॉक्स पूरा हाई हो गया। बॉडी गजब बनाया है, गजब बॉडी। और इस साला डोला, और इस साला गजब गजब भाई। उड़ीसा का चावल अगर किसी को लगा है तो बाबा को ही लगा है। और चश्मा देख रहा है इस साला, हीरो हीरो ब्रैड पिट भाई, ब्रैड पिट। मनाली से चला रहा है भाई 100 रुपए वाला। अरे नहीं नहीं, मेरा भी खराब नहीं हुआ। एग्जैक्टली मेरा भी नहीं खराब हुआ है, मेरा भी मेघदूत मार्केट का 90 का ही है। हमको 100 रुपए में दिखा रहा था, तुम बोझ बोले 300, तो क्या दिक्कत है? हम तो लिए 90 रुपए में मेघदूत मार्केट से और फिर टूट गया एक बार, तो बोलते आइए ना भैया बना देंगे, फिर बना भी दिया सेम एकदम।
यही दुबई उबई हर जगह चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है, सब सोच रहे हैं गुची का चश्मा है। यही देखो विराट कोहली, कोहली हे मैन फॉर्म इज गुड, आई होप दैट ही परफॉर्म्स वेल इंशाल्लाह। अरे एक ही ऑन पे जाना है। हां हां कोई फ्रंट है सर और अभी चलेंगे कहीं ब्रेकफास्ट वास्ट करेंगे। और क्या लाइटिंग है भाई, उफ ईगल गैंग, ब्लैक 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 एडम, ब्लैक एडम, ब्लैक एडम तो यही है। उसका पॉकेट में देखो ना कोविशील्ड भी होगा। कौन सा चश्मा है भाई? मैं आपको देता 17,100 रुपया। ब्लैक एडम्स तो यही है भाई, रॉक तो इसके बाद बना है। अरे पहला ब्लैक एडम यही था इंडिया का। रैट्स? अबे इसके सामने फोटो खिंचाओ ना, इसके सामने, इसके सामने रूल्स के साथ ऐसे पकड़ के बहुत हुआ बोलो ऐसे करो। अबे नहीं पकड़ाया, वो पकड़ाता ना पीक पकड़ाता है ना तुम। दिल चाहता है, चाहता है, दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामे गाए रातें। पेंट लगा रहा भाई। बाबा थोड़ा सा खा भी लो। पाँच सौ 70 में 600 रुपया का लगा लिया सनस्क्रीन। बाप जन्म में आज तक फेस वॉश नहीं लगाया है, बस सनस्क्रीन मिल रहा था। देख रहा मुंह देखना उसका, पूरा रगड़ लिया हाथ बाल सब में। सोचा सब ले लिया, हम ज्यादा तो ले लिया। देख रहा है हट भी नहीं रहा, अभी हट भी नहीं रहा, अभी हट भी नहीं रहा इसके हाथ से। आधा खाली कर दिया रे भाई बाबा लोग। अरे भाई डिवाइड हो रहा है, काई नहीं लगाएंगे। वसूलना है, वसूलनी वाला जो हरकत है ना बाबा, किसी दिन बेचा जाएगा तुम। ये देखो इसको, देखो इसको, देखो गोड़ में रगड़ रहा है भाई। देखो ना गोड़ बोलता है बैंगलोर में रह के। तो राइट नाउ वी आर एट अ प्लेस, पता नहीं कहाँ पे, बट यहाँ से दूर जाने के बाद एक आइलैंड होता है। तो द थिंग हियर इज की फेरी है यहाँ पे, तो फेरी में यू कैन लोड योर बाइक और कार जहाँ से भी आप आते हो। तो हम लोग बाइक से आए थे, हमने बाइक अंदर पार्क कर दी है, मतलब फेरी के अंदर ही, एंड नाउ वी विल मूव अलोंग विद द फेरी। तो या आप बाइक लेके आओ चाहे कार लेके आओ, आप इसके साथ ही जा सकते हो। प्रॉबेबली आगे जाके एक आइलैंड है, आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज रोनित ने बोला था, तो अभी जाते हैं देखते हैं आगे क्या है। बट ये वाइब है इस जगह का। आदिपुरुष के बाद, आदिपुरुष के बाद सबसे घटिया VFX यही है। अरे अरे
क्या दिक्कत है, पहन लिए थे भाई, तुमको लड़की उठाया गया। चप्पल हटा दो भाई, सही में नहीं अच्छा लग रहा है। अभी पहना हुआ हटाने का नहीं बोल रहे थे, मेरा चप्पल है भाई। वहां पर तुम कहा ना जाए भाई, वो तो लेटरिन ना जाए, गाड़ी आ रहा बाबा हटिया। अबे वो स्कूटी है बे। अबे हाँ तुम बैठो, हम उठ रहे हो। तुम बैठो, तुम सो। तुम सो। तुम बैठो ना, इसका अकेले कर ले। कब देखा था।